ही हवाई अड्डा को चालू करना पड़ेगा, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री को अपनी वचन को पूरा करना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर यहाँ से जहाज नहीं उड़ा तो हम लोग बीजेपी को वोटर थे और वोट कराते थे, लेकिन इस बार उनकी हम लोग फुल विरोध करेंगे। कि अमित शाह जी का प्रोग्राम तभी हो जब पताही हवाई अड्डा का निर्माण का आश्वासन कुछ आश्वासन मिले। लगा प्रधानमंत्री का जब कथन सत्य नहीं हो रहा है तो फिर पीछे गृह मंत्री जी या फिर और लोग का बात करने का हम समझते हैं कोई औचित्य ही नहीं। हम लोग 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवर्तन रैली चक्कर के मैदान में हुआ था, तो हम लोग एक रथ निकाले और उसका हरी झंडी देने का काम हमारे माननीय सांसद अजय निषाद जी और उस समय के तत्कालीन नगर एवं आवास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा वह रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और हम लोग जगह जगह नुक्कड़ सभा करके और प्रधानमंत्री जी से यह मांग किए थे कि मुजफ्फरपुर में दो चीज की अति आवश्यकता है, एक तो फरदो नदी की उगाही और दूसरा में हमारा पताही हवाई अड्डा का उड़ान यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि यह नॉर्थ बिहार की मुजफ्फरपुर एक अघोषित राजधानी है और यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी हैं, अच्छे कपड़े की मंडी है। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री जी आए और यहाँ इसी जगह पे वह बोले कि इस 5 साल के आवर में जरूर यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, उनका रिकॉर्डिंग है, आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। मगर 2023 का ये लास्ट महीना है, फिर भी 24 आने वाला है, फिर 5 तारीख को सुने हैं जो यहाँ गृह मंत्री जी आने वाले हैं, माननीय गृह मंत्री जी आने वाले हैं, और यह अभी तक मुजफ्फरपुर के लोगों को समझ नहीं आया कि ये नेताजी लोग इसको सभा स्थल ही बना के रखेंगे कि वाकई में यहाँ से उड़ान उड़ेगा। अगर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर यहाँ से जहाज नहीं उड़ा तो हम लोग बीजेपी को वोटर थे और वोट कराते थे, लेकिन इस बार उनकी हम लोग फुल विरोध करेंगे, क्योंकि अभी तक उन लोगों का जो वादा करते हैं वह फेल हो जाता है। परिचय दीजिए। अर्जुन कुमार, सोशल वर्कर। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम हुआ था, परिवर्तन रैली उस समय हम लोग निकाले हुए थे, उस समय आश्वासन दिए थे कि उड़े उड़ान पताही एयरपोर्ट से, लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हुआ। फिर 2019 में इलेक्शन समय भी अपने आकर के इसी जगह पर उन्होंने बोला कि यहाँ से उड़ेगा उड़ान, लेकिन हम लोग के अभी तक आस लगा करके बैठे हुए हैं और कोई इस पर अति नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम तमाम मुजफ्फरपुर जिलावासी से आग्रह करेंगे, अगर इलेक्शन के पहले अगर हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ तो हम तमाम जिलावासी खुल कर उनका विरोध करेंगे। मैं अखिलेश ठाकुर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, मुसहरी, मुजफ्फरपुर। ये पताही हवाई अड्डा में इतना सारा जगह बर्बाद हो रहा है, एक तरफ है जो किसी को रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है, गरीबी से आदमी तंग है, और इतना जगह को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम चिड़ियाघर खोल दिया जाए या स्टेडियम खोल दिया जाए, कुछ ना कुछ जगह को उपयोग में किया जाए, इस तरह बर्बाद नहीं किया जाए जगह को। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। सुरेश शर्मा जी मिठाई भी बांट चुके हैं क्या इस हवाई अड्डा से उड़ान भरेगी प्रधानमंत्री जी के ऐलान के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्य और दलित सेना के संस्थापक परम आदरणीय रामविलास पासवान जी का और नरेंद्र मोदी जी का एक समझौता के साथ गठबंधन हुआ था। उसी वर्ष लोकसभा का चुनाव था 2014 का, 25 तारीख के परिवर्तन रैली चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में हुआ था, और हम लोग को जानकारी मिला कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चक्कर मैदान के परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे, उसमें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान भी मौजूद रहेंगे। हम लोग पताही, हम खास करके पताही गांव है मेरा, पताही से मैं जन्म धरती है, और हम अपने साथियों अर्जुन कुमार गुप्ता जी, अखिलेश ठाकुर जी और अशोक कुमार शाह जी
और रामनवमी जी तमाम पताही से और अगल बगल के 10-20 गांव के लोगों के साथ मिलकर के हम लोग परिवर्तन रैली में लोगों को, आम जनताओं को मोदी जी की भाषण, रामविलास पासवान साहब का भाषण सुनने के लिए आमंत्रित के साथ साथ एक रथ बनाए थे। उस रथ पर जो है मांग था प्रधानमंत्री जी से, 3 मांग था हमारा, पताही हवाई अड्डा से उड़े उड़ान, पताही और भगवानपुर मझौली खेतल और सुस्ता और पकड़ी शुभंकरपुर, तमाम 25-30 गांव का जो जल समस्या बाढ़ के समय होता था फरदो नदी अतिक्रमण के कारण, वह मांग था कि फरदो नदी अति शीघ्र हो उड़ाही। 4 मांग हम लोग प्रमुखता से किए थे। उम्मीद जगा जब प्रधानमंत्री बहुमत से एनडीए की सरकार बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन गए प्रधानमंत्री। बहुत उम्मीद था, पर इंतजार करत करत, प्रयास करत करत, और मुजफ्फरपुर के जितने भी संगठन के लोग हैं, दल के लोग हैं, सब लोगों का मांग था पताही हवाई अड्डा से जल्दी अति शीघ्र जो है न की उड़ान भरे। और उसी के दरमियान में 14, 17, 18, 19 जब आया तो फिर लोकसभा का चुनाव आते आते यहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर प्रोग्राम लगा, और उस सभा में यशस्वी प्रधानमंत्री अपने मुख्य बिंदुओं से बोले थे, जनताओं को आश्वासन दिए थे कि बहुत शीघ्र ही पताही से उड़ान सेवा को चालू कर दिया जाएगा। सब लोग के हुल्लस, उम्मीद जगा कि अब तो प्रधानमंत्री के मुख्य बिंदु से यह आवाज निकला है, अब अति शीघ्र चालू होगा। आज 19 गया, 20 गई, 21 गया, 22 गई, 23 आई, अब 24 आने वाला है। फिर लोकसभा का चुनाव बिगुल फुका चुका हुआ है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी रण भूमि में उतर गए हैं, और फिर जैसा कि आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का 5 नवंबर का यही पताही हवाई अड्डा में उनका विशाल जनसभा होने जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से, हम मीडिया के साथियों के माध्यम से नरेंद्र मोदी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से आह्वान करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आह्वान करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि साथियों, आपका 2014 से 2023 तक 9 वर्ष का जो शासन काल रहा, उस 9 साल के शासन काल में को क्यों नहीं चालू किया गया। हम तमाम प्रखंडों में जन जागरण अभियान को चलाएंगे और अमित शाह जी के जनसभा को संबोधित करने से पहले हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के मुख्य बिंदु से जानना चाहते हैं कि अमित शाह जी का प्रोग्राम तभी हो जब पताही हवाई अड्डा का निर्माण का आश्वस्त कुछ आश्वासन मिले। नरेंद्र मोदी जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर पताही हवाई अड्डा 2024 से पहले निर्माणधीन शिलान्यास नहीं हुआ तो आपका मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जनता का आक्रोश, पताही हवाई अड्डा का आक्रोश झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। मैं कुमोद पासवान, पताही निवासी। अमित शाह जी का 5 नवंबर का जो प्रोग्राम है, यदि उस पर हवाई अड्डा पर यदि वो नहीं कुछ बोले तो आप लोगों के आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति क्या होगी? उनका जो मुजफ्फरपुर और वैशाली का सीट है वो लूज करेगा। एयरपोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बना के लोग रखे हुए हैं, ये मुजफ्फरपुर जिला के लोग को बर्दाश्त से बाहर है। और अगर वह नहीं रनवे चालू करेंगे, अगर किसी भी प्रकार का यहाँ से उड़ान भरने में उन्होंने नहीं सहयोग किया तो आगामी लोकसभा चुनाव उनके लिए बाधक बनेगा। लगभग 10 साल से केंद्र सरकार, आप लगातार देखिए, सिर्फ केंद्र सरकार आपको आश्वासन दे रहा है, वादा कर रहा है जनता के साथ,
मुजफ्फरपुर पूरे बिहार का मैं समझता हूँ कि टॉप सिटी में से अभी सेकंड स्थान पर पटना के बाद मुजफ्फरपुर आता है। मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ बड़ा प्लेन उड़ाने के लिए जगह नहीं है, कम से कम 90 सीट का प्लेन तो यहाँ से उड़ सकता है, दिल्ली के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के, इधर जो भी बड़ी सिटी है उसके लिए तो उड़ाया जा सकता है। सरकार कोई भी हो, मेरा ये कहना है कि काम होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए, बकतूत नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। पता ही एयरपोर्ट चालू हो जाने से यहाँ के व्यापारी वर्ग को, आम जनता को, सबको बहुत राहत मिलेगा। और जो भी आ रहे हैं सुनने को मिलेगा प्रधानमंत्री का जब कथन सत्य नहीं हो रहा है तो फिर पीछे गृह मंत्री जी या फिर और लोग का बात करने का हम समझते हैं कोई औचित्य ही नहीं। मेरा ये नम्र निवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि पताही एयरपोर्ट को मुजफ्फरपुर को वरदान के रूप में दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप भरी स्टेज से मुख्य सभा में आप ऐलान ही मत करिए, जो काम हम कर ही नहीं सकते हैं उसका वादा ही नहीं करिए। यही मेरा परिचय आपका निवेदन। मेरा परिचय हुआ प्रताप कुमार सिंह।